हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटे बच्चे का पजामा बनाना बताऊंगी, जो कि हमें बचे हुए कपड़े से बनाना है। बहुत ही इजी है। तो अगर आपके पास भी अगर इस तरह की फैब्रिक बची हो, तो आप घर में ही छोटे बच्चे का बहुत ही इजी पजामा बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा बचा हुआ है, ये हमारी सूट की फैब्रिक की ही ये कपड़े बची है। तो इसकी देखिए हमें लंबाई हम आपको बता देते हैं। तो पूरी लंबाई है ये, देखिए यहाँ से, तो ये हमारी 20 है, यानी कि 40 इंच है, क्योंकि ये हमारा डबल फोल्ड है। ये देखिए डबल फोल्ड है, ये हमारा 40 इंच का इसका पूरा लंबाई है। इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया, इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा 15 यानी कि 30 इंच है इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, अब इसे हमें 4 फोल्ड करनी है। तो हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया, ये हमने 4 फोल्ड किया। अब इसकी नाप देखनी है, कितना बड़ा रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जो है नीचे, ये हमारी 1.5 इंच चौड़ी ये फोल्ड हो जाएगी। तो ये हमें 1.5 इंच चौड़ी ये नीचे हमें फोल्ड करनी है, फिर हमारी 1.5 इंच चौड़ी ये ऊपर भी ये हमारी फोल्ड हो जाएगी। तो ये हमने 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे, यानी कि 3 इंच। तो ये हमारी बीच की कंप्लीट लंबाई हमारी ये 17 इंच, देखिए ये हो गई है। और ये हमारा पूरा फैब्रिक आपको बता देते हैं, यानी कि ये 20 इंच का है। अब हमें क्या करना है, यहाँ नीचे का ये जो मोहड़ी होता है वो हमें 5 इंच रखना है। हमने 5 इंच पे ये मार्क किया मोहड़ी के लिए, और ऊपर जो है ये हमें कंप्लीट हमारी ये रखनी है 14 इंच। तो यहाँ से यानी 7 इंच उसका हाफ होता है, तो एक साइड का 14, फिर एक साइड का 14, यानी कि 28 इंच पूरा रखना है। तो हमने 7 इंच ये ले लिया है, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि स्टिचिंग में जाएगी। और फिर यहाँ से हमें आसन के लिए देखना है, तो वो हमें यहाँ से ये 7 इंच पे ये मार्क करनी। अब यहाँ से हमें इसे तिरछा निशान लगाएंगे, इस तरह से हमने तिरछा निशान लगा लिया। अब इसकी चलिए कटिंग कर लेते हैं, बहुत इजी है। देखिए यहाँ से इसे कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा वाला होगा फैब्रिक, देखिए हमने इसे कट कर दिया, इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई। और यहाँ से इसे हम बराबर कर लेंगे, ये हमारी बराबर हो गई। अब यहाँ बीच से इसे ओपन कर देंगे, देखिए इस तरह से हमने ओपन किया। अब देखिए इसकी पूरी जो है वहां, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए ये 14 इंच है, यानी कि 28 इंच हो गया। तो ये हमने 15 इंच लिया, क्योंकि 1/2 इंच ये स्टिचिंग में जाएगी। तो मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो हमें फिर क्या करना, अगर आप इसमें या आसन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये जो हमारी फैब्रिक बची, इसी से हम क्या करते हैं, छोटा छोटा इसमें आसन कट कर लेते हैं। तो चलते हैं इसमें आसन की कटिंग करते हैं, यानी कि म्याने की। तो उसकी हमें लंबाई रखनी है 4 इंच, तो ये हमने 4 इंच पे मार्क किया। अब हमें इसी कपड़े में कैसे कट करेंगे, तो वो देखिए। तो यहाँ से इसे पहले क्या करते हैं, इसे कट करके हटा देंगे, फिर हमें यहाँ से इस तरह से अब तिरछा इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो हमने तिरछा फोल्ड कर लिया है, ये सेंटर और ये सेंटर, और ये वाला नीचे वाला हमें बराबर करना होगा। तो हमने बराबर कर लिया, और देखिए इस तरह ये इधर की साइड भी हमें तिरछा कट कर लिया। तो ये हमारी मेहनी यानी कि आसन कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स, हम आसन कैसे ज्वाइंट करेंगे, तो आप इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ ये जो सेंटर कटिंग किया है इसके ऊपर डालेंगे और इसे स्टिच करेंगे। तो एक इसके ऊपर और फिर अब एक इधर साइड, दोनों साइड स्टिच करने के बाद, उसके बाद आप इसको इसके ऊपर डाल करके इसे स्टिच करेंगे। और ये हमने लास्टिक लिया है, इसे लगाएंगे कैसे, तो फ्रेंड्स ये हमारी पतली वाली है, तो इसे हमें डबल फोल्ड करके लगाना होगा। तो हमने ये देखिए इसकी जो हमने लंबाई ली है लास्टिक की, वो देखिए बता देते हैं कितना लंबा है। तो यहाँ से नाप लेंगे, तो ये देखिए, तो ये हमने इलास्टिक की जो लंबाई है वो है हमारा ये 31 इंच, ये देखिए 31 इंच। अब इसे पतला वाला, तो इसे हम यहाँ से स्टिच करके अब इसे डबल फोल्ड करके इसमें ऊपर में ही अटैच करेंगे। तो चलते हैं मशीन पे इसे स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मशीन पे आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इसे ओपन करना है, और ये जो हमने कट किया था ये म्यानी यानी कि आसन, अब इसकी ये जो निशान है इसके ऊपर डालेंगे और इसे 1/2 इंच पकड़ते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच पकड़ के ये स्टिच करके आसन को रेडी करते हैं। ये हमारी एक साइड की ये स्टिच हो चुकी है। अब हमें दूसरे साइड से इसी तरह से इधर साइड भी इसके ऊपर ये जो हमने सेंटर मार्किंग है इसके ऊपर डालना है, और इसे भी 1/2 इंच पकड़ते हुए इसे स्टिच कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड इसे स्टिच कर लिए, तो ये दोनों साइड आसन ये हमारी ज्वाइंट हो गई। अब इसके ऊपर ये जो हमारे ये पार्ट से इसके ऊपर डालेंगे और इसे 1/2 इंच पकड़ते हुए स्टिच करेंगे, इस तरह से ये हमें इसके ऊपर ये डालना है और 1/2 इंच पकड़ते हुए इसे स्टिच करनी है। देखिए ये हमने डाल लिए, देखिए बिल्कुल किनारे किनारे ये स्टिच करते जाना है। ये जो हमारी आसन आएगी इसको हमें इस तरह से देखिए इधर की साइड ये लाते हुए
से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी इधर साइड वाला ये जो पार्ट है, ये आसन देखिए ये ज्वाइंट हो गया। तो इस तरह से ये हमारी आसन ये ज्वाइंट हो गई। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी इसे ज्वाइंट करते हैं। तो फिर हम दूसरी साइड भी देखिए ये वाला और ये वाला दोनों को बराबर कर लिए दोनों साइड के पार्ट्स को। अब इसे भी हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए इसे अटैच करते जाएंगे ये इस तरह। इसी तरह से ये अटैच हो चुकी है देखिए। तो ये हमारी आसन दोनों साइड अटैच हो चुकी है। इसे हमें इस तरह से ओपन करनी है। ओपन करने के बाद अब ऊपर में हमें ये 1.5 इंच चौड़ी फोल्ड कर लेंगे और नीचे भी 1.5 इंच चौड़ी इसे फोल्ड करके रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स हम ऊपर ज्वाइंट करने से पहले इसे क्या करते हैं, इसे पहले अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे तब ये इलास्टिक को अंदर डाल करके इसे स्टिच करेंगे। तो चलते हैं इसे 2-3 बार स्टिच करके ये इलास्टिक को ज्वाइंट करते हैं। तो ये हमने इस तरह से ये स्टिच करके 2-3 बार आप इस पर स्टिच कर लेंगे ताकि ये जो इलास्टिक है आपकी खुले ना। अब हमें इसे क्या करना है, इसे डबल फोल्ड करनी है क्योंकि हमें ये पतला है। तो इसे हमें थोड़ा सा डबल फोल्ड करके इसे चौड़ा करना है। अब इसे के अंदर ये डालेंगे, ये इलास्टिक को अंदर हमें डालना है और इसे अंदर की तरफ हाफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए ये इलास्टिक को स्टिच करेंगे। तो चलते स्टिच करते हैं इस तरह से। इलास्टिक को हमें आगे की तरफ खींचना है, ये कपड़ा को लूज करके इसे स्टिच करनी है। देखिए इस तरह से आगे की तरफ खींचते जाएंगे और इसे स्टिच करते जाएंगे। अंदर की तरफ हाफ हाफ इंच हमें फोल्ड भी करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये आगे की तरफ इलास्टिक को हमें खींचते हुए ये सारे फैब्रिक को इसी में अटैच करना है। देखिए ये खींचना है और इसी तरह से खींचते हुए ये इलास्टिक आपकी लग जाएगी। फ्रेंड्स अब आपको इलास्टिक को ही आगे की तरफ खींचते जाना है। देखिए ये इस तरह इसे खींचते हुए हमारी ये इलास्टिक भी लगकर रेडी हो गई। अब यहाँ इसे कट कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से इलास्टिक लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये नीचे भी इसे फोल्ड करनी है। तो चलते हैं नीचे फोल्ड करके रेडी करते हैं। तो इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना, अंदर की तरफ हाफ इंच फोल्ड करनी है। किनारे किनारे ये फोल्ड करते हुए स्टिच करके रेडी करनी है। देखिए ये एक साइड से ये हमारा नीचे भी ये फोल्ड हो गया। सेम अब इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है। देखिए हमने फोल्ड किया, अंदर की तरफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारी दोनों साइड स्टिच हो चुकी है। अब साइड का चलिए फिटिंग करते हैं। इसे उल्टा करना है और साइड का फिटिंग कर लेना है। तो साइड का भी हमें हाफ हाफ इंच इसे बराबर करके फिटिंग करनी है। इसे अब हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे 2-3 बार इसे स्टिच करेंगे ताकि आपकी ये खुले ना। ये इस तरह से फिटिंग करते जाएंगे दोनों साइड। ये हमारी मियानी यानी कि आसन के पास अच्छे से बराबर करके इसे फिटिंग करेंगे। देखिए इस तरह हमारी ये दोनों साइड ये फिटिंग भी हो गई यानी कि ज्वाइंट भी हो गई। तो हमारा ये पैजामा स्टिच हो चुका है। इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखिए ये हमारी पैजामा बनकर रेडी हो गई। फ्रेंड्स ये हमारी पैजामा की फाइनल लुक है। तो ये हमने बचे हुए कपड़े से ये पैजामा रेडी किया, छोटे बच्चों का रेडी किया जो कि ये हमारी 1 से 1.5 साल के ये बच्चों को आराम से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे ये बचे हुए कपड़े से पैजामा बनाने का वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करनी है लाइक। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को करना सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।